नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इन जिलों में ठनका से होने वाली घटनाओं को देखते हुए शुरू हुए जागरूकता अभियान। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों पर ऐसे कसेगा शिकंजा। इस दिन सुप्रीम कोर्ट को नीट पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी ईओयू। शिक्षक छात्र अनुपात के मानक को पूरा करने की कोशिश में शिक्षा विभाग। T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद रोहित शर्मा के नाम हुए ये 3 रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इन जिलों में ठनका से होने वाली घटनाओं को देखते हुए शुरू हुए जागरूकता अभियान। पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, भागलपुर, बांका, जमुई, कटिहार, गया, नवादा और औरंगाबाद में वज्रपात से होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान तेज किया जा रहा है, ताकि लोग बिजली ठनका गिरने से पहले अलर्ट हो जाएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक इन जिलों में सबसे ज्यादा ठनका गिरने से दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ अधिकारी अलर्ट मोड पर है। लोगों को जागरूक करने के लिए गांव में नुक्कड़ नाटक, जागरूकता अभियान, जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियो डालकर गांव के चौराहे, खेत खलियान, बाजार में लाउडस्पीकर के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर और अन्य चिकित्सा कर्मियों पर ऐसे कसेगा शिकंजा। अपनी ड्यूटी से गायब रहने वाले सरकारी डॉक्टरों पर बिहार सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सरकारी अस्पतालों में गायब रहने वाले डॉक्टर और अन्य चिकित्सक कर्मी पर सख्ती के लिए मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी चिकित्सक और अन्य कर्मी बायोमेट्रिक हाजिरी के अलावा अपनी उपस्थिति फेस के माध्यम से हाजिरी दर्ज करवाने के लिए इन्हें फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम के सामने खड़ा होना होगा, जिसके बाद चेहरे का स्कैन होते ही हाजिरी दर्ज हो जाएगा। फेस के माध्यम से हाजिरी दर्ज करवाने की यह व्यवस्था अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी हो। सभी कर्मी आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सके, इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति सभी जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी और प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सहायकों को 2 जुलाई से पटना में प्रशिक्षण देगी। मॉनसून की शुरुआती बारिश में पटना नगर निगम के सभी दावे हुए फेल। अभी बारिश का मौसम शुरू ही हुआ है और महज घंटे भर की बारिश में पटना के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। जल जमाव की स्थिति गांधी मैदान, बिस्कुमान भवन, मौर्य होटल, मगध महिला कॉलेज, डाक बंगला, फ्रेजर रोड, अशोक राजपथ सहित और भी कई जगहों पर देखने को मिली। शुरुआती बारिश में ही पटना नगर निगम के सारे दावे फेल कर गए। पटना नगर निगम के अधिकारियों ने इस परेशानी को देखते हुए बैठक किए हैं और जरूरी निर्देश दिए। निर्देश में कहा गया है कि बारिश के अलर्ट को देखते हुए 3 दिनों तक दिन रात निगम कर्मी वार्ड में ही रहेंगे। पदाधिकारी और कर्मचारी कंट्रोल रूम में रात भर तैनात रहेंगे। पटना में कहीं भी जल जमाव की स्थिति बनेगी, फील्ड के अधिकारी और कर्मचारी को इसकी सूचना दी जाएगी। सूचना मिलते ही जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। इस दिन सुप्रीम कोर्ट को नीट पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी ईओयू। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई से पहले आर्थिक अपराध इकाई नीट पेपर लीक मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक रिपोर्ट में इसके पुख्ता सबूत दिए जाएंगे कि प्रश्न पत्र परीक्षा के एक दिन पहले ही केंद्रों ने आउट कर लिया था। आपको बता दें कि 23 जून से नीट पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। सीबीआई से पहले बिहार आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में जाँच में जुटी हुई थी। ईओयू ने जाँच में पाया है कि पटना के कुछ सेटरों समूह के पास प्रश्न पत्र को लीक करने के बाद इसे हल करा कर भेजा गया था। राज्य के 267 ग्राम पंचायतों को डिजिटाइजेशन करने की तैयारी। राज्य के ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग ने डिजिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। राज्य के 267 ग्राम पंचायतों का डिजिटाइजेशन वित्तीय वर्ष 2024-25 में करने की बात कही गई है। इसके लिए विभाग द्वारा 33,50,000 रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं, ताकि पंचायत के सरकारी भवनों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर उपलब्ध करवाया जा सके। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों का डिजिटाइजेशन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर लग जाने के बाद सभी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में संरक्षित रहेंगे।
भाजपा नेता के बेटे के अपहरण मामले में हुआ बड़ा खुलासा। अभी हाल में ही भाजपा नेता राजेश सिंह के पुत्र आशू के अपहरण की खबर सामने आई थी, लेकिन अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि आशू को ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग गई थी, जिस वजह से आशू ने अपने परिचित शिवम को फंसाने के लिए खुद की अपहरण का नाटक किया। इस मामले में SSP दीक्षा ने बताया कि शिवम BGMI नामक ऑनलाइन खेल का ID खरीद बिक्री करने का काम करता था। आशू ने इसी ऑनलाइन खेल के संबंध में शिवम से 5 लाख रुपए के कर्ज लिए थे। दोनों के बीच करारनामा भी बनाया गया था। जब काफी दिनों तक आशू ने पैसे नहीं दिए तो शिवम तगादा करने लगा। इससे परेशान होकर आशू ने खुद के अपहरण का नाटक किया और शिवम को फंसाने की साजिश रची। आशू ने अपने अभिभावक को B Pharma परीक्षा होने की झूठी जानकारी दी। दानापुर थानेदार प्रशांत भारद्वाज ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि आशू बीते जनवरी महीने से सिवान के दुरौंधा स्थित कॉलेज में गया ही नहीं। जनवरी के बाद से वह किसी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। आगे की जांच और छानबीन में आशू के नाटक की पोल खुली और फिर मामले का खुलासा हुआ। शिक्षक छात्र अनुपात के मानक को पूरा करने की कोशिश में शिक्षा विभाग। छात्र शिक्षक अनुपात का मानक बिहार में 69% प्रारंभिक स्कूल नहीं कर पाते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों की पर्याप्त संख्या के बावजूद पद स्थापन में गड़बड़ी के कारण यह स्थिति पैदा होती है। आपको बता दें कि प्रारंभिक स्कूलों में 30 बच्चों एक शिक्षक तो वहीं माध्यमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक है। छात्र शिक्षक अनुपात मानक से 79% हाई स्कूलों में कम है। इन स्कूलों में एक तरफ छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के 5063 स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चों की संख्या के अनुसार जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं। इसमें सुधार लाने के लिए पूर्व अपर प्रमुख सचिव के पाठक ने काफी प्रयास किए थे। स्कूलों में लाखों शिक्षकों की बहाली की गई, हालांकि अभी भी मानक पूरे नहीं हो पाए हैं। अब सभी की उम्मीदें नए अपर मुख्य सचिव S Siddharth पर टिकी हुई है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से बिहार के इन रूटों पर ट्रेन हुई रद्द। भारतीय रेलवे में गोंडा और बुडवल के बीच नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से 15 ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया। दोनों स्टेशनों के बीच आने वाले गोंडा कचहरी, मैजापुर और करमैलगंज स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिस वजह से इस मार्ग से गुजरने वाले 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 1, 2 और 3 जुलाई को इस मार्ग से पाटलिपुत्र से लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा 2 जुलाई को मुजफ्फरपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया। 1 जुलाई को सहरसा से सरहिंद जाने वाली स्पेशल ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है और 3 जुलाई को सरहिंद से सहरसा जाने वाली स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया। अवैध शराब तस्करी मामले में सारण उत्पाद विभाग को मिली बड़ी सफलता। अवैध शराब तस्करी मामले में सारण उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल उत्पाद विभाग चेक पोस्ट पर सोनपुर थाना क्षेत्र के गोला बाजार और मसरक के गोपाल बाड़ी तथा मांझी थाना के अंतर्गत सघन छापेमारी हुई। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है। मांझी चेक पोस्ट से एक कार से अंग्रेजी शराब के 432 पीस बरामद हुए हैं। वहीं गोपाल बाड़ी मसरक से ब्रांडेड शराब की 215 cc जब्त की गई। इसके अलावा गोला बाजार सोनपुर से 7 पीस कुल मिलाकर 3 जगहों पर 349.95 लीटर शराब जब्त हुए हैं। पुलिस ने ये कार्यवाही गुप्त सूचना के आधार पर की। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे की कार्यवाही जारी है। T20 विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत पर कई दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। टीम इंडिया T20 विश्व कप का फाइनल मैच जीत चुका है। भारतीय टीम के इस जीत पर कई दिग्गज नेता भारतीय टीम को बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया X के जरिए लिखा है कि T20 विश्व कप जीतने के लिए टीम इंडिया को मेरी हार्दिक बधाई। वहीं PM मोदी ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, भारतीय टीम की इस जीत पर आज पूरा देश गौरवान्वित है, सभी खिलाड़ियों को अनंत शुभकामनाएं। वहीं बिहार के दिग्गज नेताओं में से एक लालू प्रसाद यादव ने बधाई देते हुए कहा, 2024 इंडिया का है। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। जदयू कार्यकारिणी बैठक के बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगे। आगे उन्होंने कहा कि मैं प्रशांत किशोर आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता हूँ कि सही नीयत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता है। उन्होंने कहा,
लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को बड़ा बहुमत आ जाता तो एक बार में नीतीश कुमार की कहानी बीजेपी खत्म कर देती और अपने लोगों को कुर्सी पर बैठा सकती थी। बिहार की जनता को लगता है कि बीजेपी का नया मुख्यमंत्री बना है, तो क्यों ना इनको मौका दिया जाए। ललन सिंह ने इन विभाग में भर्ती किए जाने की कही बात। बिहार में एक बार फिर से नौकरियों की बहार आने वाली है, इसकी घोषणा जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ललन सिंह ने खुद की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तकरीबन 3 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने की दिशा में तैयारी पूरे जोरों पर है। इन नौकरियों के तहत सबसे अधिक नियुक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और गृह विभाग में होनी है। आगे उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, लघु जल संसाधन और कृषि विभाग में भी भर्ती निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि नौकरी देने के मोर्चे पर सरकार तेजी से काम कर रही है। सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग के साथ ही नीट मामले में पप्पू यादव का दावा। बीते दिन किशनगंज पहुंचे पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सीमांचल को अलग राज्य बनाने तक की चर्चा कर दी। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने में केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज दिल्ली में ना तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और हल्की बारिश में पूरी दिल्ली डूब जा रही है। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहीं बिहार में पुल गिरने को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा इसमें बालू माफिया की भूमिका सबसे अधिक है। दूसरी तरफ उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार पेपर लीक को गंभीरता से नहीं ले रही है। नीट के डायरेक्टर को बचाने के लिए सीबीआई जांच शुरू हुई है, क्योंकि डायरेक्टर पूर्व केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार हैं। T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद रोहित शर्मा के नाम हुए ये 3 रिकॉर्ड। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब अपने नाम कर चुकी है। इस बड़ी सफलता के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बड़ा फैसला लिया और अपने फैंस को झटका दे दिया है। दरअसल इन्होंने T20 से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने अपने नाम 3 रिकॉर्ड बना लिए हैं। आपको बता दें कि T20 इंटरनेशनल में 50 मैच में जीत हासिल करने वाले रोहित शर्मा पहले कप्तान बन चुके हैं। वहीं बतौर भारतीय प्लेयर रोहित शर्मा ने T20 विश्व कप का खिताब 2 बार जीता है। इसके अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम बिना कोई मैच हारे वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। जानिए आज बिहार में पेट्रोल और डीजल के रेट। आज 30 जून यानी रविवार को बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए गए हैं। जारी हुए दाम के मुताबिक बिहार में पेट्रोल का दाम 106.80 रुपए और डीजल की कीमत 93.54 रुपए है। पटना में आज पेट्रोल का दाम 105.42 रुपए और डीजल का दाम 92.27 रुपए है। गया में पेट्रोल 105.88 और डीजल 92.70 रुपए। दरभंगा में पेट्रोल 106 रुपए और डीजल 92.79 रुपए है। मुजफ्फरपुर में 106 रुपए और डीजल 92.79 रुपए। भागलपुर में पेट्रोल का दाम 106.10 रुपए और डीजल 92.88 रुपए है। किशनगंज में पेट्रोल 107.45 और पेट्रोल 94.15 रुपए है। मधुबनी में पेट्रोल 106.55 रुपए और डीजल 93.31 रुपए है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, विनोद महात्मा, राजकिशोर महतो, ओम प्रकाश कुमार, संजीव कुमार, साजुला पालवी, नौसाद रजा, सुरभि सुमन, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, नंद कुमार सिंह, बोनर शर्मा, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, इंडिया की जीत पे आप क्या शुभकामनाएं देंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।